भारत सरकार की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और परिषदन भवन में पत्रकारों से बातचीत की। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार की किसी भी योजना की विपक्ष ने कभी सराहना नहीं की है। मंत्री ने कहा कि CAA नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने आर्टिकल 370 हटाने का, तीन तलाक का, राम मंदिर निर्माण समेत सभी फैसलों का विरोध किया है। मंत्री ने कहा कि मथुरा हमारा आस्था का मामला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास के मुद्दे पर भाजपा और उसके सहयोगी दल 400 से अधिक सीटें जीतेगी। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ विकास के मुद्दे पर भेदभाव नहीं करती है। मैं अपनी राह रख रही हूँ, ये बिल्कुल उचित है कि सब राज्यों को, सब राजनीतिक दलों को देश हित में इसमें समर्थन करना चाहिए। आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है, पूर्व में जब हेमंत सरकार थे और अभी जब चंपाई सरकार है, चंपाई सोरेन की सरकार, वो अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कोई फंड सरकार राज्य झारखंड को मिला ही नहीं है पिछले कुछ कई सालों से। देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक विपक्षी सरकारों से आग्रह करना चाहती हूँ, केंद्र सरकार किसी सरकार के साथ पक्षपात नहीं किया। यदि आवास अपलोड नहीं किया तो केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मनरेगा का काम हो रहा है, आराम से हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है, आराम से मिल रहा है। किसानों का जो डेटा अपलोड करना चाहिए प्रदेश सरकार को करना होता है। पश्चिम बंगाल में अभी आपने देखा कि 25 लाख लोग ऐसे थे जो फर्जी जॉब कार्ड बने हुए थे। ठीक है। CAA को लेकर के विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी एक्ट को बिना पढ़े हमलावर नहीं होना चाहिए। ये एक्ट किसी को देश से बाहर निकालने का नहीं है। ये एक्ट म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हुए उत्पीड़न झेल करके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का है। लेकिन विपक्ष हताशा में, निराशा में हर मुद्दे को जो देश हित में है, जनहित में है, ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। बंगाल की CM ममता बनर्जी और केरल के CM PVN ने भी CAA का पूरा विरोध किया है और लागू करने से इनकार कर दिया। मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहते हूँ, किस एक्ट का इन्होंने समर्थन किया है? इन्होंने 370 धारा का विरोध किया, इन्होंने 53 तलाक का विरोध किया, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको इन्होंने देश हित में समर्थन किया? इनको देश हित में कोई भी मुद्दा आता है उसका उनको विरोध ही करना है। इसीलिए विपक्ष अब की बार विपक्ष में पहले भी नहीं बैठने लगता, अब और नहीं बचेगा। भाजपा ने मैडम नारा दिया अब की बार 400 पार, किन मुद्दों को लेकर के? हमारा जनहित के जो काम हुए हैं 2014 से लगातार, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर क्षेत्र में कौन देखता था रेड़ी पटरी वालों की तरफ कि उसका भी रोजगार करने का अधिकार है, वो भी कैसे बैंक से लोन लेकर के अपनी दुकान बड़ी कर सकता है? कौन पूछता था? विश्वकर्मा समाज जो छोटे छोटे बर्तन सब छोटा छोटा व्यवसाय चलाता है, ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की निगाह गई है। कौन उस गरीब की महिला की पीड़ा समझता था कि घर में शौचालय न होने के कारण कितनी बीमारियां झेलनी पड़ती थी और कैसे उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी? क्योंकि मैं भी एक गरीब बाप की बेटी हूँ तो मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती है।